साथियों नमस्कार, मैं नंदलाल वर्मा आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। साथियों, हमारे दिन भर के काम करने के तौर तरीके में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान के घर में कचरा होता है और उस कचरे को लोग ले करके बाहर फेंक देते हैं और बाहर से फिर उस कूड़े को कोई मशीन उठा ले जाती है और किसी गड्ढे में डाल देती है। वहाँ का स्थान तो खाली हो जाता है, कचरा साफ़ हो जाता है, लेकिन जब हमारे माइंड में कोई कचरा होता है तो उसको कैसे साफ़ करें? उस पर आप दिन भर जितना भी काम करते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, लेकिन आप गौर करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव आपका थाट, आपका माइंड पकड़ लेता है। और उसको निकालने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस कचरे को निकाल सकती है? वो एक ही चीज़ है, पॉजिटिव थाट। और पॉजिटिव थाट कैसे आएगा, इस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। पॉजिटिव थाट में जब हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को आदान प्रदान करेंगे तो हमारा मन हल्का होगा और निगेटिव चीज़ों से हम विमुक्त हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, वो वैज्ञानिक का बच्चा था। वैज्ञानिक एक खोज में वायुयान से चंद्रमा पे गया और उसने अपनी पेन निकाली और लिखना शुरू किया, लेकिन वहाँ वायुदाब के नाते पेन काम नहीं कर रही थी। और जब वो टेंशन में आ गया और फिर वायुयान से नीचे उतरा, ज़मीन पे आया, घर में बहुत टेंशन में था, तो बच्चे पूछा, पापा क्या हुआ? कहा, बेटे कुछ नहीं, तेरे बस का नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो कुछ देर बाद फिर बच्चा आया कि पापा क्या हुआ, आप शेयर करिए, हो सकता है मैं बता दूं आपको। तो उसके माइंड में था कि नहीं, इसको बच्चा क्या बताएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तू अगर जानना चाहता है मैं क्यों टेंशन में हूँ तो मैं तुझे बताता हूँ। तो उसने कहा कि मैं इसी बात है, और मैं वायुयान पे गया था, चंद्रमा पे गया था, और वहाँ ये पेन वायुदाब के नाते काम नहीं कर रही थी। उस बच्चे ने जो जवाब दिया सुन के आप चकित हो जाएंगे। उसने कहा, पापा बस इतनी सी बात है? कहा, हाँ। तू बताओ, तुम्हें कुछ आइडिया आया? कहा, हाँ पापा। कहा, अगली बार जब कब जाना है? तो कहा, मुझे अगर बन जाएगी वो पेन जो वायुदाब के नाते काम ना करे तो मैं कल ही चला जाऊँगा। कहा, ठीक है, आप सुबह तैयार हो जाइए और चले जाइएगा। तो कहा, इसका हल क्या है? उन्होंने कहा, उस बच्चे, छोटे से बच्चे ने कहा कि पापा आपकी पेन नहीं, पेंसिल लेके जाइएगा। वैज्ञानिक अचंभा सा रह गया कि जो चीज़ हमारे